इन किताबों के पन्नों के बीच में मेरी अभी तक की पूरी जिंदगी बसती है। हर छोटे से बड़ा पल मानो वक्त में कहीं कैद हो। ये वो दिन है जब मैं पैदा हुआ था, क्योंकि शायद मेरे घर वालों ने ये सोचा कि ये यादें याद रखने लायक हैं। और यहां मैं मेमोरीज बनाने के नाम पे बस फोन की मेमोरी भर रहा हूं। हम फोटोज लेते हैं पर यादें बनाना भूल जाते हैं। अब देखो, ऑनेस्टली ये बात थोड़ी सी तो सैड है कि मेरी मेमोरीज मुझसे भी ज्यादा स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक को याद है। एंड वेल, होंगी भी, क्योंकि मैं और आप, हम सब अपनी सारी मेमोरीज, अपने सारे मोमेंट्स सोशल मीडिया पे ही तो शेयर करते हैं। एक्चुअली करेक्शन, वो सारे मोमेंट्स जो हम शेयर करना चाहते हैं, जिसमें हम अच्छे लगते हैं। अब देखो, मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ कि मेरे मॉम और डैड ने मेरे लिए इतनी सारी एल्बम्स छोड़ी हैं और फोटोग्राफ्स ऑफ मेमोरीज, जो वो भी वापस जी पाते हैं, मैं वापस जी पाता हूँ, शायद मेरे आने वाले बच्चे भी जी पाएंगे। ये मेरे हाथ पे सिर्फ एक फ़ोटो नहीं है, एक मोमेंट ऑफ टाइम है, एक मोमेंट ऑफ टाइम जो हमेशा के लिए मेरा हो चुका है। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ रहे हैं, टिकटॉक वाले डांस या कुत्ते की फिल्टर वाली सेल्फी? सोचने वाली बात है। देखो, मेमोरीज ब्लरी हो जाती हैं, यादें भूलने लगते हैं, बट एक फोटोग्राफ एक छोटा सा तरीका है उस मोमेंट ऑफ टाइम को हमेशा के लिए अपने पास रख लेने का। पर कभी कभी अगर किस्मत साथ ना दे तो इस परफेक्ट मोमेंट की फोटो ही ब्लरी निकल जाती है। हिट पॉप फोटो एनहांसर इज एन AI बेस्ड इमेज एनहांसिंग टूल जो शायद आपकी सबसे प्रेशियस मेमोरीज को बचा ले। ये टूल AI को यूज़ करके आपकी इमेजेस को एनहांस कर सकता है, उनकी क्वालिटी बढ़ा सकता है, उनकी रेजोल्यूशन बढ़ा सकता है, और अगर फोटो में नॉइज है वो भी कम कर सकता है। अगर कोई ऐसी फोटो है जो ऑलमोस्ट परफेक्टली कैप्चर हो गई थी पर फॉर सम रीजन गलती से ब्लर हो गई या हिल गई, उसको यहाँ पे डाल दो। आपको साइड में कुछ ऑप्शन आएंगे कि क्या एक जनरल इमेज है या क्या इस इमेज में फेसेस है। उस मोड को चूज कर लो एंड देन स्टार्ट। तो चाहे तुम्हें इंस्टाग्राम पे ही अपलोड करनी है या फिर अपनी मेमोरीज रखने के लिए फोटो प्रिंट करनी हो, दिस विल गिव यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द इमेज। और इसमें बहुत ही प्यारा फीचर और है जिसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज अपलोड कर सकते हो और इन्हें वापस कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपकी फैमिली की, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स की कोई भी फोटोज पड़ी हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ट्राई कन्वर्टिंग देम बैक टू कलर एंड उनको दिखाओ। लेट देम ऑल्सो लिव सम अमेजिंग मेमोरीज। हिट पॉप फोटो एनहांसर के बारे में और जानने के लिए या फिर ट्राई करने के लिए चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सच बोलूं तो घर वाले एकदम सही कहते हैं, सारी दिक्कत इस फोन की है। अलार्म लगाना हो तो ये फोन, कहीं जाना हो तो ये फोन, किसी से बात करना हो तो ये फोन, फोटो खींचना हो तो ये फोन। बी वेरी ऑनेस्ट विद मी राइट नाउ, आपकी फोन की मेमोरी में अभी कितनी ऐसी फोटोज हैं जो एक्चुअली आपकी मेमोरी में रखने लायक है? आई डोंट थिंक ज्यादा होंगी। जस्ट बिकॉज हम हजारों फोटोज खींच सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, आई थिंक डजेंट मीन दैट वी नीड टू। इन फैक्ट, चाहे आप फोटोग्राफर हो या ना हो, एवरी वन शुड जिंदगी में एक बार बाय अ फिल्म कैमरा जिसके अंदर एक्चुअल फिल्म लगती थी एंड उसमें कुछ लिमिटेड शॉट्स होते थे, ट्राई दैट। या फिर किसी दिन खुद को एज अ फोटोग्राफर चैलेंज करो कि सिर्फ 10 फोटो खींच सकते हो। मेक एवरी शॉट काउंट, मेक एवरी मोमेंट काउंट। और लाइफ के जो सबसे प्यारे मोमेंट्स हैं ना, दैट एक्चुअली मैटर, उनको प्रिंट करा के अपने पास रखो। आई स्टिल प्रिंट अ लॉट ऑफ फोटोज। है कुछ बात, ये मोमेंट इमेजिनरी नहीं है, इसको एक तरीके से मैं हाथ लगा सकता हूँ, इट मींस समथिंग टू मी। लाइफ में मेरी जितने भी मोमेंट्स याद रखने लायक थे जिनके पिक्चर्स हैं मेरे पास, ना वो महंगे कैमरास पे खींची गई थी, ना किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के द्वारा, और ना कोई सुंदर लोकेशन पे। इट वॉज जस्ट पीपल हु मैटर्ड एट एनी रैंडम प्लेस एंड मोमेंट्स वर्थ कैप्चरिंग, मेमोरीज वर्थ मेकिंग। जो मेमोरीज आज से 10-20 साल देख के खुश होना चाहते हो या अपने बच्चों को दिखाना चाहते हो, वो आज बनानी पड़ेंगी। सो स्टार्ट डूइंग दैट। और ये इंस्टाग्राम स्नैपचैट चलता रहेगा, बट एक्चुअली स्टार्ट क्रिएटिंग सच मेमोरीज। बहाने मत ढूंढो, ढूंढना है तो घर के किसी कोने में जो पुराना कैमरा पड़ा है ना, उसे ढूंढो, उसे चार्ज करो, उसमें बैटरी डालो और निकल पड़ो दोस्तों के साथ,
घर वालों के साथ चाहे अकेले, एंड जस्ट स्टार्ट कैप्चरिंग मोमेंट्स दैट आर वर्थ कैप्चरिंग एंड मेक मेमोरीज वर्थ रिमेम्बरिंग, क्योंकि मैं यही करने वाला हूँ। Until next time. Bye.